नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल डांस बॉन्ड में विवेक उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी प्रैक्टिकल वाइवा वाइज क्वेश्चन। मतलब दोस्तों आप लोगों का पता है कि वाइवा में कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आप लोगों को जूलॉजी के बारे में बता दे रहा हूँ, जूलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। और आप लोग जो कमेंट करेंगे तो मैं बॉटनी के ऊपर भी बना दूंगा। तो टॉप मोस्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसमें 40 क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें 20 जो क्वेश्चन रहेगा वो एनिमल से रिलेटेड रहेगा और 20 क्वेश्चन जो है बोन्स रिलेटेड रहेगा। तो आप लोग देखते रहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट आर्क्योथेरिक्स? अब आर्क्योथेरिक्स के बारे में क्या जानते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें लिखा है आर्क्योथेरिक्स इज ए फॉसिल बर्ड विच सर्वाइव एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इज है बोथ रेप्टाइलियन एंड एवियन कैरेक्टर्स। दोस्तों आप लोग जानते हैं आर्क्योथेरिक्स जो होता है रेप्टाइल्स एंड बर्ड का कनेक्टिंग लिंक होता है, मतलब रेप्टेलियन एंड एवियन कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ आवर नेशनल बर्ड? हमारे नेशनल बर्ड पिकॉक का जूलॉजिकल नेम क्या है? तो इसका जूलॉजिकल नेम है पैबो क्रिस्टेसियस। अरे दोस्तों दूसरा तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है, विच वन इज द डेडली पॉइजनस स्नेक? तो कोबरा होता है डेडली पॉइजनस स्नेक, नाजा नाजा इसका साइंटिफिक नेम होता है। चौथा क्वेश्चन है, इन हाइड्रोफिश जो है वो पॉइजनस है अथवा नॉन पॉइजनस स्नेक है? तो ये हाइड्रोफिश जो होता है वो पॉइजनस स्नेक होता है। व्हाट इज द जूलॉजिकल नेम नेम ऑफ मड पपी? तो इसका जूलॉजिकल नेम होता है नेक्चुरस। छठवा क्वेश्चन की बात करें, इन विच एनिमल डू यू फाइंड ओरल हुड एंड वेलम? दोस्तों वो कौन सा एनिमल है जिसके पास ओरल हुड होता है एंड वेलम होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे एम्फियोक्सिस में होता है, तो इसमें इसका आंसर होगा एम्फियोक्सिस। व्हाट इज द स्पेशल फीचर्स इन द हुड ऑफ ए कोबरा? तो इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है? तो इन्हें एक्सपेंडेड हुड पेकुलर बायोसिलेट मार्क इंपरेंट प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस। दोस्तों आप लोग कुछ देखे होंगे कोबरा की ओरल हुड में, इसका जो हुड होता है वो सिर पे कुछ सिंपल बना रहता है, तो उसे आप लोग देख जानते होंगे। तो आठवीं क्वेश्चन की बात करें, वाट इज टुआटारा एंड वाट डू यू नो अबाउट इज? आप लोग टुआटारा के बारे में क्या जानते हैं? तो आंसर है स्पिनोडॉन इज ए कार्ड इज ए टुआटारा। स्पिनोडॉन जो है वो टुआटारा कहते हैं। इट इज ए लिविंग फॉसिल है। इट हैज सेवरल प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, इसमें दोस्तों प्रिमिटिव कैरेक्टर पाए जाते हैं। व्हाट नवे क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द स्पेशल फ्यूचर ऑफ ए कैमिलॉन? कैमिलॉन का जो आप लोग गिरगिटान है हिंदी में कहते हैं, तो गिरगिटान के बारे में आप का स्पेशल फ्यूचर क्या है? तो इसका आंसर है, इट इज़ ए कलर चेंज ऑफ एनिमल्स, इनके जो एनिमल्स होता है वो कलर अपना चेंज करता है। आइए 10वें क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डू यू नो अबाउट ए लिम्बलेंस एम्फीबियंस? लिम्बलेंस एम्फीबियंस कौन सा होता है? तो इक्थियोफिस है। इक्थियोफिस क्यों होता है ये लिम्बलेंस एम्फीबियंस? कॉमनली कॉल्ड ए कैसीलियंस, इसे कैसिलियंस भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ 10 क्वेश्चन हो गए, अब आइए चलते हैं। दोस्तों 11वें क्वेश्चन की बात करें, तो व्हाट इज ए डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल हाइपोकैम्पस? दोस्तों डिफरेंस बताना है मेल एंड फीमेल हाइपोकैम्पस के ऊपर। तो इसका आंसर है, द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल सी हॉर्सेज इज द मेल ब्रॉड पाउच लोकेटेड बीनीथ द एट द एब्डोमेन अलोंग द फ्रंट साइड ऑफ द टेल्स। और दूसरी क्वेश्चन की बात करें, वाई एक्सोसीटस नोन एज फ्लाइंग फ्लाइंग फिश? जो एक्सोसीटस है उसे फ्लाइंग फिश क्यों कहा जाता है? तो आंसर है, बिकॉज इट्स वेयर्स ए पिक्टोरल फिंस लाइक विंग्स विच गिव इट्स द अपेयरेंस ऑफ ए बर्ड विंग्स। फिश टेक ए लीफ विद द पावरफुल टेल एंड ए गर्डिस विथ ए न्यू फ्यू मीटर्स इन एयर सस्टेंड बाई द लार्ज पिक्टोरल फिंस ट्रू फ्लाइट एंड नॉट इफ पॉसिबल्स। 13वें क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज अ कॉमन नेम ऑफ ड्रेको? ड्रेको का कॉमन नेम क्या है? तो फ्लाइंग लिजर्ड अथवा फ्लाइंग ड्रैगन्स नाम होता है इसका। और 14वें क्वेश्चन की बात करें, तो व्हाट इज ए स्पेशल फ्यूचर ऑफ ड्रेको? ड्रेको का स्पेशल फ्यूचर क्या है? तो लेटरल साइड्स ऑफ बॉडी हैज ए थिन सेमी सर्कुलर मेम्ब्रेन्स प्रेक्यूट लाइक ए फोल्ड ऑफ स्किन एंड
पैटेगियम सपोर्ट बाय द फोर एंड फाइव पेयर्स ऑफ एक्सटेंडेड रिब्स, इट कैन बी स्प्रेड आउट एंड यूज्ड फॉर ए गिल्डिंग फ्रॉम द ट्री एंड ए फोल्डेड व्हेन नॉट इन ए यूज। 15वें क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज अ कॉमन नेम ऑफ ए स्पायरना, स्पायरना का कॉमन नेम क्या है? तो हैमर अथवा हेडेड तार क्यों। और 16वें क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज अ कॉमन नेम ऑफ ए पेट्रोमाइजॉन, ये आप लोग जानते होंगे पेट्रोमाइजॉन का कॉमन नेम क्या है, तो इसका कॉमन नेम है, आंसर है लैम्प्रे। 17वें क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज अ कॉमन नेम ऑफ हाइपोकैम्पस, हाइपोकैम्पस का कॉमन नेम क्या है, आप लोग पहले क्वेश्चन में देखे होंगे, तो इसका सी हॉर्स होता है। बस दोस्तों यहाँ 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बात करेंगे बोन्स के बारे में, बोन्स के 20 क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बीएससी जूलॉजी सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल फाउल बोन्स वाइवा वाइस क्वेश्चन आंसर, तो ये शुरू करते हैं। पहला बोन्स का क्वेश्चन है, बोन्स ऑफ फाउल आर रिकॉर्ड, फाउल के बोन्स को क्या कहा जाता है? निमेटिक कहा जाता है। स्कल ऑफ फाउल इज ए मोनोकोंडिलिक। तीसरा क्वेश्चन है, फॉर्क्यूला और मेरी थ्रॉट ऑफ विस बोन इज ए कंपोजिट बोन फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ ए, इसका आंसर है क्लेविकल्स एंड इंटरक्लेविकल्स। क्वेश्चन नंबर चौथा है बोन्स का, व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ ए कील, कील का कंपोनेंट क्या होता है? तो स्टेरनम होता है। द फर्स्ट टॉय ऑफ टाउल फाउल इज ए कॉल्ड ए हेलिक्स, हेलिक्स। और 16वां क्वेश्चन है, विच बोन इज ए कॉल्ड ए सेसामॉइड बोन, पटेला, पटेला को सेसामॉइड बोन भी कहा जाता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ थोरैकिक रिब्स ऑफ इन ए फाउल, तो इसका आंसर है 7। दोस्तों ये भी बोन्स रिलेटेड है क्वेश्चन, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बोन्स का। अब 8वां क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डू यू नो अबाउट द स्केलेटन, आप स्केलेटन के बारे में क्या समझते हैं? तो इसका आप लोगों को डेफिनेशन पूछ सकता है जो आपके टीचर हैं वाइपा वाले, तो इसका आंसर है द स्केलेटन इज दैट पार्ट ऑफ बॉडी विच प्रोवाइड ए फॉर्म सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द बॉडी। दोस्तों ये आप लोगों को सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करता है आपके बॉडी को, तो ये देख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर द टू मेन डिवीजन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, स्केल सिस्टम का दो मेन डिवीजन बताना है, तो इसका आंसर है द टू मेन डिवीजन ऑफ द स्केलेटन आर ए, द स्केलेटन आर ए एक्सियल स्केलेटन विच कॉन्सिस्ट ऑफ द स्केल एंड वर्टिबल कॉलम एंड एन अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम विच कॉन्सिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ लिम्स एंड गर्डल्स। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, विच वर्टिब्रा इज नोन एज द एटलस, वर्टिब्रा में वो कौन सा कॉलम है दोस्तों जिसे एटलस कहा जाता है? तो वर्टिब्रा जो होता है हम लोग का, तो उसमें जो पहला कॉलम होता है, पहला कॉलम को हम लोग फर्स्ट वर्टिब्रा इज नोन एज एटलस वर्टिब्रा, उससे पहले पहले वर्टिब्रा को ही हम लोग एटलस वर्टिब्रा कहते हैं। तो व्हाट इज द एस्ट्रेगुलस कैल्सेनियम, तो एस्ट्रेगुलस कैल्सेनियम इज ए हिंड लिम्ब बोन ऑफ ए फ्रॉग, जो एस्ट्रेगुलस कैल्सेनियम होता है वो हिंड लिम्ब बोन ऑफ ए फ्रॉग का होता है। और 5वें क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए ट्रांसमिटेटर्स ऑफ फीमेल्स एंड ए मेल ऑफ फाउल, इसका आंसर है पॉइंटेड हॉर्नी फाइटिंग स्पर्स प्रेजेंट इन द ट्रिस्टोमास्टर ऑफ ए मेल फाउल। 6वें क्वेश्चन की बात करें, द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज ए कार्ड, दोस्तों जो एटलस होता है वो एक्सिस होता है, हम लोग का वर्टिब्रा फर्स्ट और सेकेंड वर्टिब्रा होता है एटलस एंड एक्सिस, तो ये दोनों का जॉइंट क्या होता है? तो इसका आंसर है पाइवेट ज्वाइंट। और 7वें क्वेश्चन की बात करें, तो विच इज द वेस्टिगियल बोनी पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, इसके कहा जाता है कॉकिक्स, विच वर्टिब्रा हैज ए ओडोन्टॉइड प्रोसेस, जो कौन सी वर्टिब्रा में दोस्तों ओडोन्टॉइड प्रोसेस पाया जाता है, जिसे इसमें एक्सिस में पाया जाता है, जो कि हम लोग के एटलस को जोड़ती है, सेकेंड जो वर्टिब्रा है वो फर्स्ट वर्टिब्रा में इसी ओडोन्टॉइड प्रोसेस के द्वारा जुड़ती है। तो दोस्तों खत्म हो गया, नहीं दोस्तों एक दो क्वेश्चन और हैं। नेम द फोर क्लासेस ऑफ बोन्स, बोन्स के कितने क्लासेस हैं? तो इसके लॉन्ग शॉर्ट फ्लैट इरेगुलर हैं। और 10वें क्वेश्चन की बात करें, विच सेल सेक्रेट द मैट्रिक्स ऑफ बोन फॉर्मेशन, तो इसका आंसर है ओस्टोब्लास्ट, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ओस्टोब्लास्ट सेल सेक्रेट द सब्सटेंस ऑफ बोन, दे आर सिंगल न्यूक्लियस सेल्स, इट्स हेल्प इन ए सिस्टम
सिंथेसिस ऑफ बोन्स। जी हाँ दोस्तों, यही क्वेश्चन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मेहनत लगा है बनाने में वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।